नमस्कार। एक और प्रॉब्लम है इंटीग्रेशन से। हमने डिस्कस किया था कि अगर ऊपर नीचे x का कोई इवन पावर हो जो कि रिपीट हो रहा हो, तो हम क्या करते हैं, उस इवन पावर को कुछ सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। जब हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व कर रहे हैं, तब दैट मीन्स मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि पार्शियल फ्रैक्शन रिजॉल्व करेंगे तभी तो इंटीग्रेट करेंगे, और कोई तो मेथड फिलहाल नहीं दिख रहा है। हो सकता है कोई और मेथड होगा, लेकिन फिलहाल तो हम पार्शियल फ्रैक्शन अगर करना चाहें तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वन है डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस टू और टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। इसको अगर रिजॉल्व करना चाहें हम, तो ऐसा करते हैं एक्स स्क्वायर को टी मान लेते, तो ये क्या बन जाएगा, टी प्लस वन, टी प्लस टू और टू टी प्लस वन। अब इससे रिजॉल्व करते हैं, ठीक है, जो भी आएगा वापस उसमें टी के जगह एक्स स्क्वायर लिख देंगे और फिर इंटीग्रेट कर देंगे। तो इसे इंटीग्रेट करना खासा आसान लगेगा, सॉरी इसे रिजॉल्व करना आसान लगेगा, क्योंकि नीचे हमारे पास दो लीनियर फैक्टर ही तो हैं। तो चलिए a डिवाइडेड बाय पहला लीनियर फैक्टर प्लस b डिवाइडेड बाय दूसरा लीनियर फैक्टर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, t प्लस वन, चलिए एलसीएम लेते हैं, a टाइम्स टू टी प्लस वन प्लस b टाइम्स t प्लस टू डिवाइडेड बाय t प्लस टू टू टी प्लस वन। चलो ये तो कैंसिल हो जाएगा, अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, t प्लस वन है और इधर हमारे पास क्या है, t का कोफिशियंट कलेक्ट करते हैं, तो 2a और उधर से b, कांस्टेंट टर्म कलेक्ट करते हैं। चलिए कंपेयर करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो t का कोफिशियंट हमारे पास 1 है, तो 1 इक्वल्स टू 2a प्लस b, यहाँ से एक इक्वेशन मिल गया। सिमिलरली कांस्टेंट टर्म भी 1 है, तो 1 इक्वल्स टू a प्लस 2b। t का कोफिशियंट भी दोनों तरफ कंपेयर कर लिया और कांस्टेंट टर्म कंपेयर, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, पहले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई दूसरे को 1 से, तो पहला इक्वेशन क्या बन जाएगा, 4a प्लस 2b इक्वल्स टू 2, और दूसरा इक्वेशन तो ऐसे ही रहेगा, a प्लस 2b इक्वल्स टू 1, सब्ट्रैक्ट कर दो इसको, 2b गया, 4a माइनस a इज 3a इक्वल्स टू 1, तो a का वैल्यू यहां से मिल जाएगा 1 बाय 3। क्लियर है, a जैसे ही मिल गया तो किसी भी इक्वेशन में डाल दो, 2a प्लस b इक्वल्स टू 1 यही था ना, तो 2a प्लस b इक्वल्स टू 1, ठीक है, b का वैल्यू भी 1 बाई 3 हो गया, तो 1 बाई 3 प्लस 2 बाई 3 इज 3 बाई 3, सही है। तो हम करना क्या चाह रहे थे, अभी तो इंटीग्रेट नहीं करेंगे फिलहाल, फिलहाल तो ये a by t plus 2 और b by 2t plus 1 हो गया ना, t plus 1, t plus 2, so this became a by t plus 2 plus b by 2t plus 1। अभी भी इंटीग्रेट नहीं कर सकते t के फॉर्म में, ठीक है इसको x के फॉर्म में बना लेते हैं,
ठीक है जगह एक्स स्क्वायर पुट कर दो, तो अब हम बोल सकते हैं जो हमारे पास इनिशियली गिवन क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस टू और 2x² + 1, तो दैट इज नथिंग बट 1/3, 2 को रूट 2 का स्क्वायर लिख देते हैं, प्लस 1/3। इस वाले में से 2 बाहर ले ले, 1/2 आएगा विच इज 1/√2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/3, 1/x² + a² इज 1/a tan inverse x/a। सेम गोज हेयर ऑल्सो, 1/√2, तो सिंपली √2 टैन इनवर्स एक्स बाय 1/√2, तो √2x। सिंप्लीफाई करना चाहिए कर सकते हैं, ये से 3√2 टाइम्स में कट जाएगा। तो आप चाहे तो 1/√2 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स एक्स बाय √2 प्लस टेन इनवर्स √2x प्लस अ कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो आसान प्रॉब्लम बोल सकते हैं इसे हम। पहले हमने क्या किया, हमने देखा कि कोई इवन पावर रिपीट हो रहा था, तो रिजॉल्व करते वक्त उसको टी मान लिया। ये सिंपल वाला रिजॉल्व तो आपको पता ही है कैसे करते हैं, लीनियर फैक्टर ए बाय फर्स्ट लीनियर फैक्टर, बी बाय सेकंड लीनियर फैक्टर। सॉल्व किया उसे तो कुछ ऐसा आया, वापस एक्स स्क्वायर का वैल्यू रख दिया और फिर इंटीग्रेट कर दिया। 1/x² + a² होता है 1/a tan inverse x/a।